हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेयरकेस को सपोर्ट किस प्रकार से किया जाता है, डिज़ाइन से भी और ऑन साइड पे भी, और कौन सी कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे हमें थोड़ा सा ये अरेंजमेंट चेंज करना पड़ता है एक, और दूसरी चीज़ कहाँ पे अन इकोनॉमिकल होता है और कहाँ पे इकोनॉमिकल होता है डिज़ाइन। तो वो जो ये दो तीन चीज़ें हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं तीन चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जो भी ये स्टेयरकेस का स्लैब होता है, ये जो इंक्लाइन होता है, इस इंक्लाइन की वजह से इसका डेड लोड हेवी हो जाता है। दूसरी चीज़, इसके ऊपर स्टेयर्स होते हैं, उसका एडिशनल लोड होता है, और जो लाइव लोड होता है वो स्टेयरकेस पे थोड़ा ज़्यादा पकड़ा जाता है। उसके लिए ये ओवरऑल थोड़ा डिज़ाइन हेवी होता है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो यहाँ पे एक मैंने प्लान दिया है। इस प्लान में आप देख सकते हो कि AE BG ये लैंडिंग स्लैब है, GC HD ये भी, और ये स्टेयर केस है, यहाँ पे ये स्टेयर्स है और ये स्टेयर्स का स्लैब है। ओके, तो आप यहाँ पे AB EF GH और CD को आप बीम डाल सकते हो, लेकिन कौन सा इकोनॉमिकल होगा और कौन सा अन इकोनॉमिकल और उसका रीज़न क्या, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ओके, तो ये जो पहली केस है, यहाँ पे हमने AB और CD इन दो जगहों पे बीम डाले हैं, और ये जो पूरा स्लैब है, इंक्लूडिंग ये इंक्लाइन स्लैब और ये लैंडिंग का, उनका आधा लोड इधर और आधा लोड इधर, मतलब आधा AB और आधा CD बीम पे निकालते हैं। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, जो कि आपका स्पैन है L1 प्लस L2 प्लस L3, इतना बड़ा इसका स्पैन हो जाता है। इसके वजह से ये अरेंजमेंट थोड़ा अन इकोनॉमिकल होता है। ओके, और यहाँ पे आप UDL भी देख सकते हो, जो इंक्लाइन पार्ट है वहाँ पे UDL थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लैंडिंग। ओके, ये थोड़ा सा अन इकोनॉमिकल हो जाता है। तो सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप EF और GH इन दो पोजीशन पे बीम डालो, तो इसका व्यू कैसा आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये अंदर हम बीम डालेंगे इन दो पोजीशन पे EF और GH, तो उससे क्या होगा, ये दो है कैंटिलीवर बन जाएंगे। ये अगर लोअर ग्राउंड पे है या ग्राउंड पे है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो पार्ट है वो एज अ कैंटिलीवर एक्ट होगा। और इसका बेनिफिट क्या है, ये कैंटिलीवर एक्ट होने की वजह से ये मिड लैंडिंग मूवमेंट भी रिड्यूस करता है, तो इसका डबल बेनिफिट है। और ये यहाँ पे बीम की पोजीशन यहाँ पे होने के वजह से इसका जो स्पैन है वो भी लेस है, तो ये दो एडवांटेज इस कंडीशन में हमें मिल जाते हैं। एक और तीसरी कंडीशन है, आप यहाँ पे बीम डाल सकते हो और ये ऊपर जैसे कैंटिलीवर एक्शन किया वो भी आप कर सकते हो। ओके, ये दो तीन चीज़ें हैं। अभी एक और साइड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आप आपका जो हेडरूम है जो कि मिनिमम 2.1 मीटर होना चाहिए, तो वो आपका हेडरूम मेंटेन नहीं हो रहा है बीम के वजह से, तो आप क्या कर सकते हो, सपोज एक सिचुएशन है, ये प्लान है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, EF और CD यहाँ पे आप अपना कॉलम पोजीशन है। ओके, अभी आपको ये स्टेयरकेस को लेआउट करना है प्रॉपरली, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो इंक्लाइन स्लैब है मतलब स्टेयरकेस का, वो स्लैब आप उसका लोड इस मिड लैंडिंग या फिर लैंडिंग का जो स्लैब है वहाँ पे निकाल सकते हो, और ये लैंडिंग का स्लैब का लोड आप AE और BF, मतलब क्या है, ई और एफ जो कॉलम है वहां से हमें बीम बाहर निकालना है, AE और BF, जिसे आप ब्रैकेट बीम भी कहते हैं। ओके, तो लोडिंग ट्रांसफर कैसे होगा, ये जो स्टेयरकेस का इंक्लाइन लोड है वो सीधा आप लैंडिंग पे सपोर्ट डालो, तो इससे क्या होगा, ये लोड लैंडिंग पे चला जाएगा, और लैंडिंग पे चला जाने के मतलब यहाँ पे चला जाएगा, और इसका AE और BF पे आप लोड निकाल सकते हो। ओके, ये एक अरेंजमेंट है जिसके आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आई होप ये आपको केस क्लियर हो गया है। एक और एक सिचुएशन है जहाँ पे अगर स्टेयर्स की जो फ्लाइट है उसका जो 4.5 मीटर से भी ज़्यादा है उसका स्पैन, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, आपको यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करने पड़ेंगे AB CD। ओके, दूसरी चीज, आपको यहाँ पे बीम डालना पड़ेगा। ओके, और स्ट्रिंजर बीम,
ओके, तो स्ट्रिंजर बीम यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से डालने पड़ेंगे दो, और जो भी आपके स्टेप से मतलब फ्लाइट्स की जो इस ओर से ऊपर जाते वक्त नीचे जो भी कुछ है, जो भी आपका स्टेप से वो एज अ कैंटिलीवर एक्शन करके यहाँ से आपको उस स्ट्रिंजर बीम के ऊपर निकालने हैं। ओके, तो ये जनरली क्या है, अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा हो रहा है या फिर आपकी जो पब्लिक बिल्डिंग्स है जैसे कि होटल है, बैंक है, थिएटर है, वहाँ पे ये एस्थेटिकली बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो ये एक और अरेंजमेंट है। तो हमने आज देखी एक दो तीन अरेंजमेंट देखे। ओके, तो इसका आप यूज कर सकते हो डिज़ाइन के वक्त, या फिर आप साइट पे हो तो उसका एग्जीक्यूशन में क्या इम्पोर्टेंट है आपको ये डिज़ाइन फिलोसफी मालूम होने के वजह से वो भी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। ओके, ऐसा ही मैंने एक वीडियो बालकनीज को कैसे सपोर्ट करते हैं उस पर बनाया है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो रियल सिविल आपको धन्यवाद देता है, आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसलिए थैंक यू सो मच।